आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। एंड मेजरमेंट भौतिक राशियां एवं मापन। मेरे सबसे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी आप लोगों से फिजिक्स। अगर फिजिक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है इसे हम डिफाइन करने जाएं तो काफ़ी पॉसिबल वेज में अलग अलग साइंटिस्ट ने इनकी डेफिनेशन दी हैं, बट सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मुझे लगती है वो ये है कि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना ही फिजिक्स है, और मैंने वहाँ पर डिस्कस भी किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो आज हम अपने लेक्चर में बहुत स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स को लेते हुए चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब भौतिक राशियाँ क्या हैं, इसे जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है। फिजिक्स में ये वर्ड बहुत जगह यूज़ हुआ है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की मीनिंग फिजिक्स में क्या है, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम डिस्कशन करें, क्वांटिटी मतलब हर वो चीज़ आपके सराउंडिंग में जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हर वो सब्सटेंस जिसे आप अपने सराउंडिंग में किसी भी तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊं तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, 6 सेंसेस कंसिडर की गई हैं ह्यूमन बॉडी में। 5 सेंसेस सभी को पता है, टेस्ट, स्मेल, टच, देखना, सुनना, और इसके अलावा छठवीं सेंस, 6th सेंस को बोला जाता है, जिसे साइंस में स्थान नहीं दिया गया है पर फिर भी इसे माना जाता है। तो चलिए हम सारी चीज़ें लेकर चलते हैं, अभी हम फिजिक्स के बाहर बात करते हैं। तो अगर कोई बंदा अपनी पूरी 6 सेंसेस, 6 इंद्रियों से अगर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे सराउंडिंग में, तो आप उसे नाम दे सकते हैं क्वांटिटी का। मतलब हर वो चीज़ जो आपको एक्सपीरियंस होती है आपके सेंसेस के थ्रू, वो क्वांटिटी है। अगर मैं थोड़ा और डीप जाता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, हवा, हवा को आप देख नहीं सकते, हवा को आप स्मेल नहीं कर सकते, हवा को आप टच, हवा को आप टेस्ट नहीं कर सकते, बट यस आप टच कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी को टच करती है तो आपको फील होता है कुछ तो हुआ है। तो इसलिए हवा एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया जा सकता है। वैसे ही पानी फिजिकल है, आई एम सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी। हवा एक क्वांटिटी है, पानी एक क्वांटिटी है, हर वो चीज़ जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो एक क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर एक्सपीरियंस की जा सकने वाली चीज़ें क्वांटिटी होती हैं तो फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो सेंस की जा सके और साथ ही साथ मेजरेबल हो। मेजरेबल, मापन योग्य राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। राशियां या क्वांटिटीज मतलब जिन्हें आप सेंस कर सकते हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं, और फील करने के साथ साथ अगर आप उसे मेजर या माप सकते हैं तो आप उसे नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब वापिस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, एयर, हवा की जो मैंने बात की, क्या एयर फिजिकल है? ऑफ कोर्स एयर फिजिकल है। आप अपने घर में जब भी एसी परचेज करते हैं आप टन में मेजर करते हैं एयर को। हवा का स्पीड भी होता है, एयर फ्लो बोलते हैं हम जिसे, तो हवा की स्पीड मेजर की जा सकती है। हवा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, बचपन से पढ़ाया जाता है। तो एयर में बहुत सारी चीज़ें जिसे मेजर किया जा सकता है। वाटर भी मेजरेबल है, एयर, वाटर, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लाइट, लाइट मेजरेबल है। लाइट को आप सेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ मेजर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, लाइट की स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, आपने मेजर तो किया ना, आपने अगर कुछ भी मेजर किया मतलब वो फिजिकल है। तो लाइट फिजिकल है, साउंड फिजिकल है, मोस्ट ऑफ दी क्वांटिटीज हमारी सराउंडिंग में जो है वो सारी की सारी फिजिकल है। तो हमेशा याद रखिए, आप अकेले बैठे थे, आपने कुछ फील किया, और जिसे आपने फील किया अगर आप उसे मेजर कर सकते हैं तो वो फिजिकल है, और अगर आपने फील किया पर आप उसे मेजर नहीं कर सकते तो वो कहलाता है नॉन फिजिकल। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिन्हें आप
एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट मेजर नहीं कर सकते, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज कहलाती है नॉन फिजिकल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमारे माइंड में कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। मैं फिर से आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं, क्वांटिटी मतलब जो एक्सपीरियंस की जा सकती है, एक्सपीरियंस करने के साथ साथ अगर आप उसे मेजर कर रहे हैं तो वो फिजिकल है, और अगर आप उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं, नॉन मेजरेबल है, तो वो नॉन फिजिकल है। ये सिंपल सा फंडा है। मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल है मैक्सिमम, मैं बोल सकता हूं हमारे सराउंडिंग में 99% क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिजिकल है। हाँ, 1% का कोटा मैं नॉन फिजिकल को जरूर दूंगा। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बट मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला मैं ले सकता हूँ इमोशंस या फीलिंग्स। आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैं ज्यादा गुस्सा हूं, मुझे ज्यादा भूख लगी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मेरा मूड ऑफ है। पर कितना मूड ऑफ है, आप कितने खुश हैं, आपको एग्जैक्टली कितनी भूख लगी है, या आप एग्जैक्टली कितना गुस्सा हैं, आप किसी को मेजर करके नहीं बता सकते। आपने कभी किसी को बोलते नहीं सुना होगा मैं 2 किलो गुस्सा हूं। तो ये ध्यान में रखिएगा, हम डेली लाइफ में इन्हें यूज जरूर करते हैं पर हम किसी को मेजर करके नहीं बता सकते। तो इमोशंस एंड फीलिंग्स ये हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगे, इसलिए हम इसको फिजिक्स की बुक में कहीं नहीं पढ़ते। वैसे ही स्मेल, स्मेल आप जब भी किसी चीज को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, आप बता सकते हैं खुशबू है कि बदबू है, पर आप ये नहीं बता सकते खुशबू है तो कितनी है, बदबू है तो कितनी। लाइक मैंने 2 डियो परचेस किए, आपने दोनों को स्मेल किया, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि डियो नंबर 1 उतना अच्छा नहीं है, डियो नंबर 2 ज्यादा अच्छा है, पर आपसे कोई पूछेगा डियो नंबर 2 कितना ज्यादा अच्छा है, आपके पास कोई आंसर नहीं है। आपसे फोन में बैठा आपका फ्रेंड पूछेगा कि डियो नंबर 2 की स्मेल कैसी है, आप बता ही नहीं सकते उसको, उसको खुद स्मेल करना पड़ेगा। वैसी टेस्ट, आप किसी खाने को खाएंगे, किसी चीज को चखेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि ये कम टेस्टी है या ज्यादा टेस्टी है, तो टेस्ट जो रहता है वो केवल खा के या चख के बताया जा सकता है। टेस्ट ऐसी चीज है जिसको आप किसी को मेजर करके नहीं बता सकते। आप एड देखते हैं जिसमें यिप्पी नूडल को मैगी से अच्छा बोला जाता है, बट अगर कोई क्वेश्चन कर दे यिप्पी कितना अच्छा है, कोई आंसर नहीं है सर। आप कहीं पर भी देखिए, किसी भी फूड प्रोडक्ट में कोई स्केलिंग नहीं होती कि उनका फूड प्रोडक्ट कितना ज्यादा टेस्टी है किसी दूसरे फूड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। वैसे ही सोल, गॉड, ये सारी चीजें फील की जा सकती हैं, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता वो अलग मैटर है, बट आप इन्हें कभी मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इनमें से किसी भी क्वांटिटी को फिजिक्स में कोई स्थान नहीं दिया गया है। आप फिजिक्स में किसी के टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ते, स्मेल के बारे में नहीं पढ़ते, इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते, ना आत्मा के बारे में पढ़ते हैं ना परमात्मा के बारे में, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज नॉन फिजिकल हैं। इन्हें कोई ना कोई किसी ना किसी इंद्री की सहायता से, किसी ना किसी सेंस की हेल्प से सेंस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है, बट मेजर नहीं कर सकता। तो प्लीज रिमेंबर, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का फिजिक्स की बुक में कोई प्लेस नहीं है। हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है केवल फिजिकल क्वांटिटीज को, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम किसी ना किसी तरह से मेजर कर सकते हैं। अब अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन ही आता है कि सर फिजिकल क्वांटिटीज में भी क्या डिवीजन है, क्या इसे भी अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है? बिल्कुल बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला, मेजरमेंट के बेस पर, जैसा कि हमने अभी अभी डिफाइन किया कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मेजरेबल, तो मेजर करने के तरीके के आधार पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब मुझे उस क्वांटिटी के बारे में किसी को बताना है, किसी को एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या-क्या तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं।
तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिन्हें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साथ ही साथ जिन्हें आप फील कर सकते हैं, इनको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला मेजरमेंट के बेस पर, दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब आप इन क्वांटिटीज का किसी को इंट्रोडक्शन देंगे, तो प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर दो तरीके से डिवीजन होता है फिजिकल क्वांटिटी का। पहला होता है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां, दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। तो वेक्टर एंड स्केलर क्या होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी क्यों लिखना था, तो फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट के बेस पर, प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर। प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनका डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया है प्रीवियस वीडियोस को, आप देख सकते हैं। हाँ, अभी फिलहाल बात करते हैं मेजरमेंट के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज को आप कैसे डिवाइड करेंगे। मेजरमेंट के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है डेराइव्ड। हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन ये है कि सर फंडामेंटल किसे बोलेंगे, डेराइव्ड किसे बोलेंगे। आप अगर किसी बुक को प्रिफर करेंगे तो फंडामेंटल की डेफिनेशन बड़ी अच्छी सी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लाइक इंडिपेंडेंट है वो। डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल क्वांटिटी आप ले सकते हैं टाइम, लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहला सकती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी में आ सकता स्पीड। स्पीड, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता अगर हम बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ और टाइम दोनों की हेल्प से स्पीड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए स्पीड डेराइव्ड है। बट यहां पर एक क्वेश्चन सामने में आता है, वो क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर अगर मैं स्पीड पर जाऊं तो टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन स्पीड हो सकता है। इस तरीके से टाइम का तो फॉर्मूला बन गया। तो अगर टाइम का फॉर्मूला बन गया तो फिर टाइम क्यों फंडामेंटल है, हम स्पीड को फंडामेंटल ले सकते हैं। लाइक हमेशा हम फॉर्मूले में स्पीड इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम क्यों लिखें, हम टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन स्पीड भी लिख सकते हैं। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है जिसे कई जगह पर क्लियर नहीं किया जा सकता। बोलना बड़ा इजी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, डेराइव्ड वो हैं जो डिपेंडेंट हैं, बट आप डिपेंडेंट क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को डिपेंडेंट दिखा सकते हो थोड़ा सा मैथ्स के साथ अगर आप खेलना जान जाएं तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बोलना गलत है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टोटली एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट। हाँ, इसके बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटल, यहां देखिए, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में उन क्वांटिटीज को माना गया है जिनका इंटरफेयर मैक्सिमम प्लेसेस में हुआ है, मैक्सिमम प्लेसेस में। एग्जाम्पल के लिए हम अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पीएम साहब को लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। पीएम साहब कौन है, क्या वो एक अवतारी पुरुष हैं, या उनके चार हाथ हैं, या उनके 10 सिर हैं, या हमारे से ज्यादा उनकी कैपेसिटी, ना, वो हमारे जैसे एक साधारण इंसान है और हमारे बीच से ही वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या आप नहीं बन सकते, आंसर है मैं नहीं बन सकता या कोई और नहीं बन सकता। इसका सिंपल सा आंसर यह है कि जितने ज्यादा उनके टर्म्स हैं इस फील्ड में, जितनी ज्यादा उनकी पकड़ है, जितना उनका नॉलेज है, जितने उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो हमारे या आपके नहीं है। तो जिस तरीके से हम किसी का सिलेक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ये देखते हुए कि उस फील्ड का उसे कितना नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली को क्यों बनाया गया,
क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे 11 प्लेयर्स में से उनका पकड़ किसी ना किसी चीज़ में या इस खेल में या इसकी टर्मिनोलॉजी में या इसके मैनेजमेंट में ज़्यादा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो वही केस यहाँ पर भी आता है कि अगर मेरे पास 100 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं तो फंडामेंटल मैं किसे कंसिडर करूँ? आंसर सिंपल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्हें माना जाए जिन क्वांटिटीज का इंटरफेयर मैक्सिमम क्वांटिटीज में हो। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, स्पीड एक फॉर्मूला लिखा मैंने, दूसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूं डेंसिटी घनत्व, तीसरा फॉर्मूला आता है फोर्स। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है लेंथ अपॉन टाइम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास पर क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर जो भी आप ले सकते हैं, लेंथ की क्यूब आएगी। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू लेंथ अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब आप तीनों फॉर्मूले में देखिए, लेंथ तीनों में कॉमन है, वैसे ही पहले फॉर्मूले में टाइम है, लास्ट फॉर्मूले में भी टाइम है, सेकेंड फॉर्मूले में मास है, लास्ट फॉर्मूले में मास है। मैक्सिमम क्वांटिटीज आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें या तो लेंथ है, या तो टाइम है, या तो मास है। इसीलिए लेंथ को, टाइम को, मास को, मतलब लंबाई, समय, द्रव्यमान को फंडामेंटल माना गया। पर आप देखिए, डेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं स्पीड थी ना? फोर्स के फॉर्मूले में स्पीड हो सकती है, बट फोर्स के फॉर्मूले में डेंसिटी है क्या? नहीं है। इसीलिए ऐसी क्वांटिटीज जो मैक्सिमम फॉर्मूले में इंटरफेयर करे उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल, और ऐसी क्वांटिटीज जो स्पेसिफिक बहुत रेयर केसेस में देखी जाएं वो कहलाती हैं डिराइव्ड। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी जो मोस्टली इंटरफेयर करे मैक्सिमम फॉर्मूले में, डिराइव्ड क्वांटिटीज जो रेयरली इंटरफेयर करे दूसरे फॉर्मूले में। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर फंडामेंटल कितनी है? तो अलग अलग कंट्रीज में पहले अलग अलग सिस्टम्स चला करते थे, उन सिस्टम्स में अलग अलग क्वांटिटीज को फंडामेंटल और रिमेनिंग को डेराइव्ड कंसिडर किया जाता था। बट जैसे ही पूरा वैश्वीकरण हुआ और सब लोगों ने एक ही साइंस को मानना शुरू किया, तब से जो सबसे पॉपुलर सिस्टम आया है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं वो है SI सिस्टम। SI सिस्टम जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, SI सिस्टम। एक्चुअल में ये सिस्टम फ्रांस जिनेवा में प्रिपेयर किया गया था, इसलिए इसका नाम SI दिया गया। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, S स्टैंड फॉर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। बट इसे लिखा उल्टा जाता है बिकॉज इसे फ्रेंच में डिजाइन किया गया था, तो फ्रेंच लिखते समय जैसे उर्दू उल्टी लिखी जाती है वैसी फ्रेंच को भी उल्टा लिखा जाता है। तो इसमें सिस्टम वर्ड पहले आता है, इंटरनेशनल वर्ड बाद में। तो फ्रांस में डिजाइन किए जाने के कारण इसे फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देते हुए SI कहा जाता है। तो SI सिस्टम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम होता है, और ये पूरी वर्ल्ड के लिए डिजाइन किया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम केवल इंडिया फॉलो करेगा या अमेरिका फॉलो करेगा या फ्रांस फॉलो करेगा, ये ऐसा सिस्टम है जिसे पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना है। तो जब SI सिस्टम डिजाइन किया गया तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखा गया। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले आता है मास, दूसरे में है लेंथ, तीसरा टाइम। ये 3 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो SI सिस्टम डिजाइन किए जाने के पहले भी मैक्सिमम सिस्टम्स में फंडामेंटल होती थी। बट जब SI सिस्टम डिजाइन किया गया तो ये देखा गया कि मास, लेंथ और टाइम, ये केवल 3 क्वांटिटीज इनफ नहीं है पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप पूरी फिजिक्स में, लाइक आप फिजिक्स में एंटर करते हैं, तो केवल मैकेनिक्स नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हैं, मॉडर्न फिजिक्स का भी कंटेंट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो अगर ये सब को कवर करना है तो और भी क्वांटिटीज हमें लगेंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 मानी गई, पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा आया इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
और सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इन सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आप पूरी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर को उठाइए, किसी भी नई क्वांटिटी का फॉर्मूला इन सात की हेल्प से आप दे सकते हैं। इन सात क्वांटिटीज को फंडामेंटल घोषित किए जाने के साथ साथ इन सात क्वांटिटीज की SI यूनिट भी बनाई गई इनको मेजर करने के लिए। बहुत पॉपुलर यूनिट है, जैसे मास, जब आपको मेजर करना होता है किसी का द्रव्यमान, आप पाउंड में मेजर कर सकते हो, आप किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, आप ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, बट SI यूनिट में केवल किलोग्राम को बोला गया कि ये वो यूनिट रहेगी मास मेजरमेंट की जो इंटरनेशनल रहेगी। हर कंट्री किसी भी तरीके से मास को मेजर करे, बट उनको किलोग्राम से मेजर करते आना चाहिए। वैसी लेंथ की SI यूनिट बनाई गई मीटर, टाइम की SI यूनिट बनाई गई सेकेंड, करंट की SI यूनिट बनाई गई एम्पियर, टेम्परेचर की SI यूनिट बनी केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बनी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। और इस तरीके से रिमेनिंग जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन सात की हेल्प से डिजाइन की जाती है। इन सात फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स के अलावा दो डेराइव्ड क्वांटिटीज भी रखी गई हैं SI सिस्टम में। डेराइव्ड क्वांटिटीज मतलब पूरक राशियां, उसमें पहली डेराइव्ड नहीं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी रखी गई SI सिस्टम में। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में पहला है प्लेन एंगल, जिसे हम केवल एंगल के नाम से जानते हैं, और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों को सप्लीमेंट्री क्यों बोला जाता है। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो एक्चुअल में एज अ क्वांटिटी यूज की जाती हैं, बट रियलिटी में इनकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में एंगल का फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क मतलब चाप, ये एंगल इसे बोलते हैं, ये है एंगल, ये थीटा, तो इसकी जो लंबाई है ये है आर्क। आर्क को किस में मेजर करते हैं? मीटर, क्योंकि वो लेंथ है। और रेडियस वो भी मेजर की जाती है मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल, एक्चुअल में एंगल में कोई बचा ही नहीं, एंगल एक्चुअली डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी बोल सकते हैं आप इसे। तो एंगल की एक्चुअल में कोई क्वांटिटी नहीं, कोई यूनिट नहीं होती, बट स्टिल उसे यूनिट दी गई है। आपसे अभी भी कोई पूछेगा SI सिस्टम में एंगल की यूनिट क्या होती है, तो आप फट से आंसर देते हैं रेडियन। आप तुरंत आंसर करते हैं रेडियन। एंगल की SI यूनिट अगर कोई आपसे पूछे तो आपका आंसर तुरंत आता है रेडियन। तो मेरा यही पॉइंट पर आप लोगों को लेकर जाने का मूड है कि एंगल जो कि एक क्वांटिटी है ऐसी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, फिर भी उसकी यूनिट रेडियन कैसे है? क्योंकि ये यूनिट उसे जबरदस्ती दी गई है। टेक्निकली उसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, बट एंगल का यूज मल्टीपल प्लेसेस में देखने मिलता है, इस हिसाब से उसको एक जबरदस्ती यूनिट दी गई। और जबरदस्ती दिए जाने के कारण ये सप्लीमेंट्री कहलाया। ये फंडामेंटल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है, मतलब जिसे फंडामेंटल नहीं होना चाहिए बट फिर भी जबरदस्ती फंडामेंटल के साथ उसे रखा जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री या पूरक। और सेकेंड है सॉलिड एंगल। आप सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखेंगे तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब एरिया मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, रेडियस स्क्वायर भी होगा मीटर स्क्वायर, अगेन इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, पर फिर भी इसे यूनिट दी जाती है SI सिस्टम में स्टे रेडियन। तो एंगल एंड सॉलिड एंगल ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक्चुअल में यूनिटलेस होने के बावजूद भी SI सिस्टम में यूनिट असाइन की गई, इसलिए इन्हें बोला गया सप्लीमेंट्री या पूरक, और साथ हैं फंडामेंटल। तो इस तरीके से टोटल 9 क्वांटिटीज ऐसी कंसिडर की गई हैं SI सिस्टम में जिन्हें बेस माना गया है बाकी सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज का। इन 9 क्वांटिटीज को छोड़ के रिमेनिंग हर एक क्वांटिटी डेराइव्ड है। तो प्लीज ध्यान रखें, क्वांटिटी जिसे हम सेंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिजिकल एक्सपीरियंस करने के साथ साथ मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल जिसे मेजर नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल का फिजिक्स में कोई स्कोप नहीं है। फिजिक्स में हमें केवल पढ़ना है किसे?
फिजिकल को। फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, मेजरमेंट के बेस पर और प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर। प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर वेक्टर, स्केलर। मेजरमेंट के बेस पर फंडामेंटल, डेराइव्ड। फंडामेंटल कौन? जिसका मैक्सिमम प्लेस पर इंटरफेयर हो। कितनी हैं? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल टोटल 7 और 2 सप्लीमेंट्री, मतलब 9 क्वांटिटीज हैं, और रिमेनिंग हर एक क्वांटिटी क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये आज के लेक्चर का कंटेंट, इसके आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।